साधना कर रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, आपको बहुत सारी आकृति आपको आसमान में दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये जो लक्षण है ये आपको दूसरे से तीसरे दिन में ही प्रारंभ हो जाएंगे दिखने। पहले दिन तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन से ही आपको आकाश में चंद्र की ओर बहुत सारी आकृतियां आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। आपको कुछ प्रिया भी आपको चंद्रमा के आसपास आपको नजर आएंगी। ओम नमः शिवाय, सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक बड़ी ही पावरफुल साधना बता रहा हूँ, एक ऐसी साधना जो कि पूर्णिमा की रात्रि में की जाती है, बड़ी ही पावरफुल साधना है। कुछ समय पहले हमारे पूर्वज इन साधनाओं को करके रखा करते थे, जिसके द्वारा वो लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया करते थे। मैं इस साधना के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास अक्सर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते रहते हैं। मेरे पास एक साधक आए जिनके पूर्वजों ने इस साधना को किया हुआ था, और यह साधना उस साधक के पास उनके पूर्वजों की अपने आप ही आ गई थी। और जब मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि किस तरीके से साधना को किया जाता है, किस तरीके से साधना को करना चाहिए। मेरे पास वो अपने कुछ समस्या लेकर आए थे। समस्या यह थी कि यह जो साधना है यह साधना चांदनी परी की है, परंतु उस लड़के को पता था कि यह चांदनी परी नहीं, चांदनी यक्षिणी है। और इस विषय में उसने इस चांदनी परी से कई बार वार्तालाप की, लेकिन इस चांदनी परी ने इस विषय में उसको पूर्ण जानकारी कभी भी नहीं दी, क्योंकि उसका भाव चांदनी यक्षिणी के प्रति था, न कि चांदनी परी के प्रति। तो इस कारण वह संशय में रहता था और वो इस समस्या को लेकर मेरे पास आया। तो मैंने देखा तो उसको बताया कि भाई ये चांदनी परी है जो तुम्हारे साथ रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। तो आप भी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस चांदनी परी की साधना आप करना चाहते हैं, तो बड़ी ही सरल साधना है, बड़ी सरल साधना है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई लंबा आपको कोई जप तप करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। वो ये कि एक तो आप यदि डरपोक व्यक्ति हैं तो इस साधना को ना करें, क्योंकि अवश्य इसमें आवाज पड़ती है। इस साधना को करते समय आवाज पड़ती है, यदि आप आवाज से डर गए तो फिर साधना में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए यदि आप डरपोक व्यक्ति हैं तो इस साधना को बिल्कुल ना करें। साहसी व्यक्ति हैं तो इस साधना के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। इस साधना को आप एकांत स्थान में कर सकते हैं। एकांत स्थान का मतलब ऐसा कि वहां पर किसी व्यक्ति का शोरगुल या किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण होने चाहिए। और इसके लिए आप किसी वन में, किसी खेत खलिहान में या किसी नदी तालाब के किनारे पर भी इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना रात्रि 11 बजे से प्रारंभ की जाती है, और इस साधना को 11 बजे प्रारंभ करके कुछ ही देर आपको इस साधना में देना पड़ता है। कुछ ही देर में ये साधना हो जाती है, बहुत लंबा समय नहीं देना, बहुत ही कम समय देना होता है। किस तरीके से कैसे की जाती है आइए जानते हैं। इस चांदनी परी की साधना करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि से यह साधना प्रारंभ की जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से यह साधना की जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि में रात को 11 बजे आपने 2 पीस बर्फी या पेड़े या अन्य कोई भी मिठाई, 2 पीस मिठाई के आपको एक पत्ते के ऊपर भोग लगा कर रखना होता है। एक पत्ते के ऊपर आप भोग रख लीजिए, और साथ ही आपने एक लोटा जल आपने रखना है। आपके पास वाइट कलर का आसन होना चाहिए, वाइट कलर की कोई चद्दर या कपड़ा आप बिछा लीजिए। वाइट ही आपके कपड़े होने चाहिए, कुर्ता पजामा पहने या जो कुछ भी आपके पास वस्त्र हैं, लेकिन वो वाइट होने चाहिए। आपने ये साधना चंद्रमा को देखते हुए, आपने एक मंत्र, मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको चंद्रमा को देखते हुए पढ़ना है। बस आपकी नज़र चंद्रमा की ओर रहेगी और आप इस मंत्र का रुद्राक्षी माला से आप जाप करते रहेंगे। आप यह जो मंत्र है, इस मंत्र की 21 माला जाप करेंगे। 21 माला जाप आपको केवल केवल 21 माला जाप करनी है। उसके बाद में आपने
वह मिठाई चंद्रदेव की ओर देखते हुए, चांदनी परी के लिए वह मिठाई आपको, चंद्र की ओर देखते हुए चांदनी परी के निमित्त वह मिठाई आपको समर्पित करनी है और चंद्रदेव को ही, चांदनी परी के रूप में आपको चंद्रदेव को वह जल समर्पित कर देना है और उस मिठाई को वहीं कहीं जंगल में आपको रखकर आ जाना है। इस प्रकार ये एक दिन की साधना मैंने आपको बताई है। इसमें कुछ चीजों का नियम आपको रखना पड़ेगा, वो क्या क्या रखना पड़ेगा आप समझ लीजिए। आपको यह साधना कंटिन्यू 5 दिन चलेगी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात्रि में आपकी यह साधना सफल हो जाती है। इन 5 दिनों के अंदर ही आपको यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बीच में जब भी आपको सिद्धि आपको प्राप्त हो तो आपको कुछ चीजों का नियम, कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। वो क्या क्या रखना पड़ेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इन 5 दिनों में आपको व्रत रखना है। व्रत का मतलब यह है कि आपको अन्न से व्रत नहीं रखना है, आपको व्रत रखना है ब्रह्मचर्य का, आपको ब्रह्मचर्य रखना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सात्विक रहना है और आप जो भोजन करेंगे वो पूरा का पूरा वाइट होना चाहिए। आप वाइट रंग के चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल खा सकते हैं, आप चावल के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, वाइट कलर की आप सब्जी खा सकते हैं, वाइट कलर की आप दही इत्यादि, रायता इत्यादि आप खा सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी सब्जी या भोजन आप करेंगे वो वाइट होना चाहिए। उसमें हल्दी या मिर्च मिलाकर या तेल डालकर आप उसको अलग कलरफुल ना करें, आप वाइट कलर का आप कोई भी भोजन आप कर सकते हैं, आप चावल बूरा इत्यादि आप खा सकते हैं। तो ये आपका भोजन रहेगा, 5 दिन आपको इसी प्रकार भोजन करना है। तो 5 दिन आपके ये तो नियम रहेंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साधना के लक्षण क्या क्या है, क्या क्या आपको दिखाई देगा। आपको जब आप जिस समय आप साधना कर रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, आपको बहुत सारी आकृति आपको आसमान में दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। ये जो लक्षण है ये आपको दूसरे से तीसरे दिन में ही प्रारंभ हो जाएंगे दिखने। पहले दिन तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन से ही आपको आकाश में चंद्र की ओर बहुत सारी आकृतियाँ आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। आपको कुछ प्रिया भी आपको चंद्रमा के आसपास आपको नजर आएंगी, जो कि बिल्कुल एकदम चांदनी की तरह बिल्कुल चमकीली होंगी। आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल आपको साधना करते रहना है। एक बात का ध्यान रखें कि वो चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, आपको कोई जवाब नहीं देना, केवल अपने मंत्रों को पूर्ण करना है बस। डरना मैं इसलिए कह रहा था कि आपको उनको देखकर डरना नहीं है, और जब एकांत में आप इस तरह की साधना करेंगे, कोई आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आप डर सकते हैं, तो इसलिए जो निडर हैं वही साधक इस साधना को करें। अब आपने रात्रि में जब आप इस साधना को पूर्ण करने के बाद सोएंगे तो आपको स्वप्न में भी बहुत सारी बातें आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। तो आपको अपने मन में एक दृढ़ करके पहले से रखना है कि आपको कुछ भी किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं देना है। कब तक नहीं देना? जब तक कि यह चांदनी परी स्वयं आकर आपको ये ना बोल दे कि बोल तू क्या चाहता है, क्या तेरी इच्छा है। जब तक आपको स्वयं आकर ये ना बोले तब तक आपको इसके किसी भी कार्य का आपको कोई भी जवाब नहीं देना। क्योंकि अक्सर ये क्या करती है कि जिस समय साधक साधना करता है तो उसके तीसरे या चौथे दिन में आकर स्वप्न में ये वार्तालाप होती है कि बोल तुझे क्या कार्य कराना है, जो भी कार्य तुझे कराना है मैं तेरा कार्य कर दूंगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चाहे कुछ भी कार्य कहे, कुछ भी कार्य कहे करने के लिए आपको कोई भी आदेश उसे नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ तब तक आपको धैर्य धारण करना है जब तक आकर वह ये ना कहे कि बोल तुझे क्या चाहिए और किस लिए मुझे आह्वान किया है। उसको तब तक आप कोई भी कार्य नहीं बताएं, उससे सिर्फ एक ही याचना करें कि मुझे 3 वचन दे दे। जब तक वो आपको 3 वचन ना दे तब तक आपको उसको कोई भी कार्य नहीं बता देना। आपको अनुभव तो तीसरी रात्रि से ही आपको प्रारंभ हो जाएंगे। तीसरी रात्रि में आपको आसमान में आपको परियां दिख सकती हैं, आपको अपने आसपास कुछ आकृति आपको दिख सकती है, आपके आसपास कुछ होने का एहसास हो सकता है और स्वप्न में तो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ का पूर्ण तरह आपको ध्यान रखना है कि आपने बार बार बस एक ही बात पे रखना है कि जब तक आपको वो 3 वचन ना दे तब तक आपको कोई भी कार्य आपको उसको नहीं बताना है। आपको इसके द्वारा यदि आप सट्टे नंबर लगाते हैं तो आपको सट्टे के नंबर भी आपको दिख सकते हैं।
यदि आप व्यभिचारी हैं, किसी लड़की के प्रति आकर्षित रखते हैं, तो वो लड़की आपको स्वप्न में दिखाई देगी और आपको साथ में आकर उल्टी सीधी हरकतें करेगी, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना। वास्तव में वो सब परी ही कर रही होती है, तो आपको इन चीज़ों का तरफ ध्यान नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक वो आकर ये ना कहे कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो आप उस समय सिर्फ कहेंगे मुझे 3 वचन दे दे। वचनों में क्या मांगना है, पहले में ये कि मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, और आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तो इस तरह आपको 3 वचन उस परी से ले लेने हैं। जब वह 3 वचन आपको दे दे, तो उसके बाद में आप उससे कोई भी कार्य ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। चांदनी परी का मुख्य कार्य होता है गूढ़ रहस्य, गूढ़ औषधियों के बारे में बताना। ऐसी ऐसी औषधियों के बारे में बताना कि जिस औषधि को खाकर आदमी को पूरे जीवन भूख ही ना लगे। उज्जैन में मैं अभी गया था, उज्जैन में मैंने 2 संत देखे। संत ने जिस समय उनको इस तरह की औषधि का पता लगा, उन्होंने उस औषधि को खाया, उसके बाद उन्होंने भोजन को त्याग दिया। वो कभी भोजन नहीं कर पाए, उन्होंने भोजन किया ही नहीं, भोजन की भूख ही मिट गई। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कभी सोते ही नहीं, वो कभी हमेशा जागते रहते हैं। तो इस तरह की औषधि बहुत सारी बतेरी है कि जिनका हमें ज्ञान नहीं, जिनका सेवन करने से मनुष्य की निद्रा भंग हो जाती है, उसको कभी नींद ही नहीं आती, 24 घंटे जागता रहता है। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनको खाने से शरीर में इतना बल आ जाता है कि सैकड़ों हाथियों का बल आ जाता है। आपने देखा भी होगा कि पहले राजा महाराजाओं के 100-100, 200-200 हजारों की तादाद में रानियाँ हुआ करती थी, तो उसके पीछे यही कारण था कि उनके पास जो वेद हुआ करते थे, उनके पास ये चांदनी परी सिद्ध थी, जो कि उनको ऐसी ऐसी औषधियाँ बताया करती थी जिसके द्वारा उनके पास बड़ी पावरफुल ताकत हुआ करती थी। तो इस परी का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि आपको गूढ़ और बहुत ही गहरी आपको औषधियों के बारे में ये जानकारी देती है। साथ ही आपको आप इसके जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़कर यदि किसी व्यक्ति को कोई भी औषधि दे देते हो तो तत्काल उसको आराम मिल जाता है। इसका मंत्र पढ़कर किसी भी व्यक्ति को झाड़ देते हो तो उसको भूत प्रेत जिन्नात कुछ भी होता दूर हो जाता है। किसी व्यक्ति को कोई भी व्याधि हो, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, यदि आपने इस मंत्र से जल पढ़कर उसको दे दिया तो तत्काल उसे आराम मिल जाता है, तत्काल उसे आराम मिल जाता है। और दूसरे के बारे में, भूत भविष्य के बारे में ये परी तत्काल आपको बता देती है। ज़्यादातर यह परी स्वप्न में आकर बात करती है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि रात्रि में स्वप्न में जिस विषय में आप जो भी पूछना चाहते हैं ये आपको स्वप्न में आकर बताती है। लेकिन साधक जब कुछ समय तक निष्ठा नियम के साथ इसका सही उपभोग करता रहता है तो ये जब कभी भी बुलाता है साधक तभी आकर उससे बात करने लग जाती है। लेकिन इसमें जो सावधानी है वो ये है कि इसके रूप और सुंदर को देखकर साधक इसकी ओर मोहित नहीं होना चाहिए। यदि इसकी तरफ मोहित हो जाता है तो ये साधक को तत्काल छोड़कर चली जाती है और वह साधक बहुत बड़ी समस्याओं में गिर जाता है। उसके पास जो भी धंदौलत इत्यादि होती है वो सभी नष्ट हो जाती है और उसका परिवार एक किस्म से छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए साधना को करने वाला साधक हमेशा संयमी होना चाहिए और इस शक्ति को हमेशा अपनी प्रेमिका के रूप में आप माने, अपनी बहन के रूप में माने, अपनी पत्नी के रूप में माने, लेकिन इसके साथ समागम कभी ना करें। कभी भी भूल कर इसके साथ में गलत व्यवहार ना करें। आप प्रेमिका मान सकते हैं, आप प्रेमी प्रेम कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके साथ समागम नहीं कर सकते। आप प्रेम का मतलब यह कि प्रेम आप भगवान को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो ये परी हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके सभी समस्याओं का समाधान करेगी। खुद मैंने इस परी से वार्तालाप की और इसके विषय में बहुत कुछ इससे मैंने बातें की और जाना। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम चांदनी ह्रीम ह्रीम आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीम ह्रीम चांदनी ह्रीम ह्रीम आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को 21 माला आपको प्रतिदिन जपना है रात्रि 11 बजे के बाद, और ये 5 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है। और यदि 5 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध नहीं हो पाती है तो आपको ये साधना पुनः अगले महीने पुनः आपको इसी प्रकार ये साधना करनी होती है। लेकिन एक बार में साधना उन साधकों के नहीं हो पाती जो साधक बिल्कुल ही नहीं होते, जिन्होंने कभी मंत्र जपाई नहीं, कभी कोई साधना की ही नहीं, तो उन साधकों के साथ में ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि उनकी एक बार में साधना सिद्ध नहीं हो पाती। जो लोग साधना करते आ रहे हैं या पूजा पाठ करते आ रहे हैं तो उनके पापकर्म क्षीण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के
मंत्र जाप करने से बड़ी जल्दी तरंगे निकलते हैं, जिसके कारण सिद्धि साधना बड़ी जल्दी सफल हो जाती है। तो इस साधना को आप करें और लाभ उठाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।